मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा आज दोपहर से अनिश्चितकालीन धरने को प्रारंभ कर दिया गया। किसानों का कहना था कि भूमि के अधिग्रहण को रद्द किया जाए, जबकि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आला अधिकारियों का कहना है कि वो किसान की सहमति के आधार पर ही भूमि ले रहे हैं, उनकी अनुमति के बिना भूमि नहीं ले रहे। प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा प्राधिकरण परिसर में अपने धरने को प्रारंभ कर दिया गया और प्राधिकरण को चेतावनी भी दी गई कि या तो अधिग्रहण को वापस लिया जाए वरना किसानों का धरना जारी रहेगा। देर शाम तक किसान धरने पर बैठे रहे। शाम होते ही किसानों द्वारा खाने पीने का सामान भी मंगा कर अपना कार्य शुरू कर दिया गया। इसके बाद प्रशासन द्वारा और पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा भी प्राधिकरण कार्यालय पहुंचकर किसानों से वार्ता की गई और उनको समझाने का प्रयास हुआ, लेकिन किसान अपनी बात पर अड़े रहे। सिटी मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी द्वारा प्राधिकरण कार्यालय पहुंचकर किसानों को समझाने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि कार्यालय परिसर के अंदर धरना देना अनुचित है, धरने को कार्यालय के बाहर लगाया जाए, लेकिन किसान जिद पर अड़े रहे और किसान उग्र होने लगे। मैं डॉक्टर चरण सिंह, भारतीय किसान यूनियन से प्रदेश महासचिव हूँ। आज हम विकास प्राधिकरण मुरादाबाद के कार्यालय पर हैं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने 11 गांव की भूमि अधिग्रहण करने की जो योजना बनाई है, लगभग इसे 2 महीने हो गए। जब से किसानों को पता लगा है कि ये हमारी ज़मीनें लेना चाहते हैं, किसानों में आक्रोश है और किसान लगातार ज्ञापन देकर, जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देकर, कमिश्नर साहब को ज्ञापन देकर, एमडीए बीसी को ज्ञापन देकर ये कह रहे हैं कि हम जमीन देने को सहमत नहीं है। इस संबंध में 7210 आपत्तियां, 2929 गाटा संख्या में 7210 आपत्तियां दर्ज हो गई हैं, बाकी डाक द्वारा आई हैं। और हमारा लगातार ये कहना है कि ये योजना निरस्त की जाए। हमने अब से लगभग 15 दिन का समय इन्हें दिया था कि 21 तारीख तक योजना निरस्त की जाए, नहीं तो हमारा अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। और 21 तारीख तक जब इन्होंने निरस्त नहीं की तो आज हम अनिश्चितकालीन, जब योजना निरस्त हो जाएगी हम किसानों को समझाएंगे, वो अपने घर चले जाएंगे। अगर ये भूमि अधिग्रहण की 11 गांव की योजना निरस्त नहीं होती है तो हमारा अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पर चलेगा, वो आज शुरू हो गया है। और विधिवत संख्या कम रहे ज़्यादा रहे, ये तो आकलन जो दिल्ली का 13 महीने का हमारा आंदोलन चला है उससे सभी इसका आकलन कर लें। और जब तक ये योजना निरस्त नहीं होगी कोई भी किसान मानने को तैयार नहीं है। हम फ्री में अपनी ज़मीनें किसी को नहीं देंगे।